चैनल और आज हम लोग सीखने वाले हैं कि कोई भी केमिकल इक्वेशन आप कैसे 30 सेकंड के अंदर अंदर सॉल्व कर सकते हैं, वो बहुत ही जल्दी आप उसको बैलेंस कर पाएंगे। तो देखिए, पहली इक्वेशन हमने ली है जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। तो आपको करना क्या है, पहले जितने भी आपके पास ये एलिमेंट्स हैं और कंपाउंड हैं उनके आगे आपको लेटर डाल देने हैं। जैसे जिंक पे ए डाल दीजिए, फिर HCl में बी डाल दीजिए, ऐसी सी और डी। ओके, अब देखिए यहाँ पे ए है जिंक के सामने और इधर सी है जिंक के सामने, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में आपको देख लेना है। तो ए इज इक्वल टू सी, ए इज इक्वल टू सी। अगर यहाँ पे टू होते हैं, Zn टू होता तो फिर टू सी, ए इज इक्वल टू टू सी हो जाता। सिमिलरली आपको नेक्स्ट वाले में कर लेना है। तो रिएक्टेंट में ये एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है प्रोडक्ट में। तो आप क्या करेंगे, B इज इक्वल टू टू डी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्लोरीन को देख लेना है, यहाँ पे एक है और यहाँ पे दो हैं, तो B इज इक्वल टू टू सी। अब आपको करना क्या है कि किसी भी एक एलिमेंट, ए को या तो वन ले लीजिए या किसी को भी एक ले वन ले लीजिए, वैसे नॉर्मली ए को लेंगे तो आसानी होगी। तो ए को वन ले लीजिए, तो ए इज इक्वल टू वन हो जाएगा, तो सी भी वन हो जाएगा। तो ए इज इक्वल टू वन, सी इज इक्वल टू वन और बी इज इक्वल टू टू सी, यानी कि बी इज इक्वल टू टू, बी इज इक्वल टू टू। और टू डी होगा तो टू डी इज इक्वल टू बी, राइट। तो बी है टू तो डी इज इक्वल टू वन। अब आपको ये सारी वैल्यूज ए बी सी और डी में पुट कर देनी है। तो ए देखिए वन है तो वन की जगह कुछ मत लिखिए, ये वैसे ही रहेगा। सी भी वन है तो इसको भी कुछ मत लिखिए। बी आपका टू है तो यहाँ पे आपको टू कर देना है, टू हो जाएगा ये। और आपको क्या करना है डी में, डी भी वन है तो इसमें भी कुछ नहीं करना है। अब आप देख सकते हैं बैलेंस हो चुकी है इक्वेशन, जिंक वन वन, क्लोरीन टू टू, हाइड्रोजन टू। कितनी इजीली हम लोगों ने कर लिया। आइए अब थोड़ी सी टफ लेते हैं इक्वेशन नेक्स्ट। हाँ, तो नेक्स्ट हम लोग लेंगे एल्केन C5H12 प्लस ऑक्सीजन, तो गिव CO2 प्लस H2O। सेम प्रोसेस आपको फिर से करना है, इसमें A लिख दीजिए, B लिख दीजिए, C हो जाएगा यहाँ पे C और D, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे C5 है और उधर कितने हैं, तो यानी 5A इज इक्वल टू C, यहाँ पे 1 है, 5A इज इक्वल टू C, ठीक है। 12A इज इक्वल टू 2D, इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, तो 6A इज इक्वल टू D, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, अब सिमिलरली B को देख लीजिए, तो 2B इज इक्वल टू, अब आपको ये देखना है कि यहाँ पे दो जगह पे ऑक्सीजन है, तो C के आगे ऑक्सीजन है और D के आगे ऑक्सीजन है, तो 2B इज इक्वल टू 2C प्लस D, ठीक है। अब इसमें एक को वन ले लीजिए, ए को वन ले लेते हैं हम, C इज इक्वल टू फाइव, ए इज इक्वल टू वन, और 12 है, 6 ए इज इक्वल टू डी, तो डी इज इक्वल टू 6, डी इज इक्वल टू 6। और जब बी को आप सॉल्व करेंगे तो 2C यानी 10 प्लस डी यानी 16, 2B इज इक्वल टू 16, तो बी हो जाता है आपका 8, बी इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पे आप सॉल्व कर दीजिए, इसे वैल्यूज पुट कर दीजिए, ए तो वन ही है, तो यहाँ पे बी को रख लीजिए आप 8 और सी आपकी वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू 5 है तो 5 रख लीजिए यहाँ पे, और डी की वैल्यू 6 है तो 6 रख लीजिए। अब देखिए बैलेंस हो चुकी है इक्वेशन, यहाँ पे 5 कार्बन 16 ऑक्सीजन 10 और प्लस 6 16 ऑक्सीजन
और 12 हाइड्रोजन 12 हाइड्रोजन। देखिए कोई दो इक्वेशन मैंने आपको सॉल्व करके दिखाई, आप कोई भी इक्वेशन इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। मैं तो थोड़ा टाइम भी ले रहा हूँ समझाने में आपको, आप इससे भी जल्दी सॉल्व करके दिखाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।